भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं विश्व बंगला। हाँ दोस्तों, लियाकत ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मोहम्मदपुर वेस्ट बंगाल में। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आज कोलकाता और बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं कोलकाता में। तो ये है मोहम्मदपुर और ये मोहम्मदपुर न्यू टाउन में पड़ता है। अभी यहाँ मार्केट में है, कुछ नाश्ता पानी करेंगे और अपने दोस्त समीम के साथ हैं और समीम के एक साथी साथ में आए हुए हैं। फिलहाल भाई होने लगी है बारिश और हम लोग अभी छिपे हुए हैं बारिश के वजह से। और यहाँ से हम लोग चलेंगे विश्व बंगला देखने के लिए और दूसरा इको पार्क। ये दोनों चीज़ आज एक्सप्लोर करेंगे, हो सकेगा तो विश्व बंगला जो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है तो उसके अंदर हम लोग को लंच भी करने की कोशिश करेंगे। मे भी करें नहीं करें आगे देखिए, आपको पता लगेगा। तो यहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे और ऑटो लेकर फिर चलेंगे विश्व बंगला। और कोलकाता में आइए और कोलकाता में ममता जी ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता। देखिए ये गाड़ी वाला रोक लिया भाई। ये है कोलकाता के फेमस लीडर ममता जी, उनको ममता दीदी बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भूख लग गया है तो हम लोग होटल ढूंढते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ खाना कुछ खाएंगे और यहाँ का कुछ इस तरीके से देखिए सब्जी है, पूरा एकदम बढ़िया से हरा हरा सब्जी है। यहाँ पे ऑटो मिल नहीं रही है ज़्यादा, वैसे बहुत सारी ऑटो है बट यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है भाई। और ये न्यू टाउन है, अभी ये डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं होटल में, फिर नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। आई थिंक होटल थोड़ा सा सामने है। और ये देखिए पुराना मॉडल का ट्रैक्टर यहाँ पर, और यहाँ ये अभी डेवलप कर रहा है, पूरा एरिया ही डेवलप कर रहा है भाई। सामने में एक होटल देखने को मिला, आइए यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। जो भी मिलेगा नाश्ता करना है, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये देखिए होटल में क्या है। अरे दादा ये है होटल भाई, आ जाओ भाई। यहाँ पे लग रहा है पूरी और सब्जी मिलने वाली है, पूरी है और सब्जी है यहाँ पे। तो भाई तो यहाँ पे पूरी और सब्जी आ गया है और ये 20 रुपया प्लेट है। न्यू टाउन में भाई इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिलता है। देखते हैं कैसा लग रहा है, बताते हैं। वैसे बहुत टेस्टी भी बहुत भाई बंगाल में चलता है। ये भाई यहाँ का है तो ये घुमाने वाला है हमको। बहुत देर के बाद भाई ऑटो मिला है, खाना पीना हो गया हम लोगों का और ये लेके जा रहे हैं हम लोग को यहाँ से 20 रुपए में पर पर्सन। कितने पर रहा है यहाँ से, कितना दूर है? हाँ वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, ये वाला जगह का क्या नाम है? न्यू टाउन ये सब है? न्यू टाउन है भाई, अलग अलग है, ये मोहम्मदपुर है। अच्छा अच्छा, न्यू टाउन में मोहम्मदपुर है। अच्छा, अभी हम लोग मोहम्मदपुर से जा रहे हैं। मोहम्मद से जाएगा विश्व बंगला। हम लोग अभी मोहम्मदपुर से विश्व बंगला जा रहे हैं और वहाँ से इको पार्क कितना दूर पड़ेगा दादा? इको पार्क अलग है, आप जाएंगे इको पार्क? इको पार्क पहले चले, इको पार्क लेके चलोगे तो वो नजदीक। इको पार्क के लिए तुम्हारे दशरा का पड़ेगा 3 जगह 25-25 पड़ेगा। 25-25 हो जाएगा, 50-50 50-50। हाँ विश्व पूरा एकदम यही से, विश्व बंगला अलग है, वो अलग है, वो अलग है। पहले विश्व बंगला आप ले चलो, वहाँ से देखो। ओखाने तो आबार गाड़ी दुत्ते हो तुम्हार, आबार आबार एक ही खर्चा पड़े जाएगा। नहीं नहीं वो देखना है पहले। अरे एक्स्ट्रा का देबे देखो, कोई बात नहीं वो देख लेंगे फिर हम लोग अगर डिसाइड करेंगे। अभी बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, भाई इसी सड़क से रात में आए थे, काफी मतलब रोड तो अच्छा है भाई कोलकाता का। और यहाँ परिवहन का थोड़ा इधर अंदर से दिक्कत है, बाहर तो ज्यादा दिख रहा है, देखते हैं वहाँ से क्या क्या होता है मिलता है। तो आइए चलिए मिलते हैं हम वहाँ पे डायरेक्ट आपको विश्व भवन। अच्छा कोलकाता पासपोर्ट ऑफिस ये वाली देख लीजिए भाई, कोलकाता पासपोर्ट ऑफिस है ये। और हम लोग बंगला जा रहे हैं ना, भवन नहीं है वो बंगला है। तो कुछ इस तरीके से भाई पासपोर्ट ऑफिस तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। और ये देखिए भाई डायनासोर्स बना रखा है यहाँ पे, कुछ तो बढ़िया किया है। ये देखो भाई डायनासोर्स बना रखा है भाई यहाँ पे, रात हो तो डर जाएगा आदमी का। दादा रात में तो डर जाएगा कोई। अच्छा बिल्डिंग है, देखा ना बिल्डिंग? देखिए हाँ बिल्डिंग तो बहुत अच्छा अच्छा है। विश्व बंगला देना बोलो, विश्व बंगला इको पार्क जाएंगे बोलिए 100 टका देवे, जाओ छोड़ देंगे।
कोई बात नहीं, बिसो पंगला अभी छोड़ी है, दोनों तो हम लोग को जाना ही है ना, तो वो दो चार घंटे बाद जाएंगे उधर से, वीडियो करेगा फिर जाएगा वहां से, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां से भी वहां जाना होगा, तो फायदा क्या होगा। और ये क्या है दादा? ये तो आलिया है, ये बिल्डिंग अभी नया बन रहा है, ये सब ना नया बिल्डिंग है। अच्छा बैंक है, काफी अच्छा बना रहा है भाई, देखिए भाई बैंक यहाँ पे बना रहा है, जैसे मुंबई में आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यूसीओ यूको बैंक, ये भी बैंक ही है, ये पूरे एरिया में बैंक ही बैंक है। ये देखिए HDFC का बैंक है, हर तरफ आपको बैंक दिखने को मिल जाएगा। और ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो स्टेशन का, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए कितना शानदार बन रहा है यहाँ पे, ये देखो होटल है, बहुत बड़ा होटल है, ऑस्टिन है। अच्छा ये होटल है मिथुन चक्रवर्ती से, मिथुन चक्रवर्ती का। अच्छा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग मिथुन चक्रवर्ती का यहाँ पे बना हुआ है। ये मेट्रो अभी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मेट्रो बन जाएगा तो इधर का बहुत न्यू टाउन का कनेक्शन बहुत इजी हो जाएगा आना जाना। हम लोग विश्व बंगला रोड पे ही चल रहे हैं, और यहाँ पीछे में आप मेट्रो देख रहे हैं, और इस साइड में जैसे बैंक देखे, और ये साइड में आपको सुभाष बोस कॉलेज मिल जाएगा आपको। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं, और दादा बहुत ही अच्छे आदमी है, पूरे हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं। आपका दादा नाम क्या है? लिट्टू भैया। माशाल्लाह लिट्टू भैया, तो ये पहले से लिट्टू भैया ही नाम है? यूनिक नाम है दादा आपका, लिट्टू भैया। लिट्टू भैया, लिट्टू भैया से आइए जब भी कोलकाता तो मिलिए। दीदी का ऑफिस देख रहे हो, ममता दीदी का ऑफिस, यहाँ पे देखिए आपको ममता दीदी का ऑफिस मिल जाएगा, जो अभी CM है कोलकाता का। जैसा कंपनी है मीटिंग कर रहा है, यहाँ से मीटिंग कर रहा है, अरे सारा मीटिंग यही होता है। ये देखो ये बड़ा बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग सब कंपनी का ना मीटिंग करे कर रहे हैं, जितनी सारी मीटिंग होती है ममता दीदी यही आके करती है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, ये बच्चे स्पेशल है। बिल्डिंग का नाम विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर है, आ गया भाई विश्व बंगला गेट। दीदी का ऑफिस, भाई को का ऑफिस है, दीदी का भाई का ऑफिस है। अच्छा तो दीदी का ये बहुत ही यूनिक है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए ना, फेमस है। देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विश्व बंगला गेट, तो हम आज आपको ये दिखाने वाले हैं। रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, ऊपर रेस्टोरेंट है, और ये क्या शानदार है भाई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत टीटू भैया आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप सामने जो देख रहे हैं ये विश्व बंगला गेट है, और ये चौराहे पे है, और ये बहुत फेमस है कोलकाता में, तो हम लोग ये देखने आए। इसको दिखाते हुए हम अंदर जाएंगे, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाना है, और इसके ऊपर रेस्टोरेंट है, तो वो चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं, वो चीजें आप देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और हमारे साथ है, जुड़े रहिए, और हमारे साथ हैं समीम भाई, जो कि 6 सालों बाद हम लोग मिले हैं भाई। और ये 6 साल कैसे कटे हैं, मतलब यार बहुत दोस्त बिछड़ गए, तो धीरे धीरे सबसे मिलने की कोशिश किया जाएगा, और दोस्त से मिलने की खुशी ही अलग है। आइए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में, कुछ ग्राउंड फ्लोर में जाने का ये रास्ता है। और यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट बाउंड बस स्टैंड और रविंद्र तीर्थ कुछ करके है यहाँ पे, तो आइए अंदर में देखते हैं कुछ है कि नहीं। ओ ये काफ़ी मतलब इसको डिज़ाइन और पेंटिंग अच्छा किया गया है, यहाँ आप हावड़ा ब्रिज को देख सकते हैं, और यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। जो रास्ता है ये रोड को उस तरफ लेके जाएगा, तो हम लोग रोड को उस तरफ चल रहे हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, देखते हैं अभी जाने का टाइम है या नहीं है, क्या होता है। चलिए भाई इस तरह से यहाँ पे कुछ ट्रैफिक लगता है, और ये काफ़ी बहुत ही भाई खूबसूरत लग रहा है, और इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं लोग, क्योंकि रेस्टोरेंट है और बहुत ही फेमस है। टाइमिंग इसका जो है वो 2 टाइम है, एक सुबह में खुलता है, और एक 4 बजे तक बंद हो जाता है मॉर्निंग में, फिर नाइट में 7 बजे से ये खुलता है। और ये देखिए कुछ काफ़ी देखिए यूनिक है ये,
इतना नीचे से है ये दरख्त जैसे। भाई इधर से जो ऊपर जाने वाला है ना इसको पूरा पूरा तरीके से क्लोज कर दिया गया है और बारिश भी बहुत हो रहा है। हम चल रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे लिफ्ट भी है और वहाँ देख कर बताते हैं कि ऊपर जाना है। तो यहाँ पे स्मार्ट सोलर बेंच आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा विश्व बंगला गेट का। तो आइए टिकट लेते हैं, हमें तो लगा फ्री में हो जाएंगे बट यहाँ भी टिकट है। और ये देखिए साइकिल से यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है भाई। और टिकट काउंटर खुला हो उम्मीद करते हैं, और नहीं तो बारिश से बचेंगे यहाँ पे और क्या। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं विश्व बंगला गेट के बारे में। ये चार पिलरों पे खड़ा हुआ है और इसका जो हाइट है वो 55 मीटर है और इसका डायामीटर जो है ये सर्कुलर जो है 60 मीटर डायामीटर है। और इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म चलने के लिए वो 4 मीटर चौड़ा है भाई। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है विश्व बंगला गेट का, लेकिन इस टिकट लेने में एक शर्त है आपको वो अपनाना होगा। इसको यहाँ पे देखिए मिनिमम बिलिंग पर पर्सन है 500, आपको कोई टिकट नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो तो 500 का कम से कम खाना होगा, उसके बाद ही आपको मतलब वहाँ ऊपर जाने दिया जाएगा। वो 500 का आपको टोकन दिया जाएगा जो आप जाके ऊपर खा सकते हो 500 का, तो अच्छा है। 500 आपको एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, वो टिकट समझिए या आप अपने रेस्टोरेंट या मतलब डिनर का आप समझिए। तो अभी ये खुला नहीं है, ये इसका टाइमिंग कुछ यहाँ पे दे रहा है, अलग अलग टाइमिंग है भाई। यहाँ पे टाइमिंग देखिए आपको दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लंच टाइमिंग 12 PM to 3 PM और डिनर टाइमिंग 7 PM to 10 PM, बस इतना ही टाइमिंग में अलाउड है। अभी 10 बज रहा है इसलिए हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं। एक बार आखिरी इसका नज़ारा देख लिए विश्व बंगला गेट का, और यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं इको पार्क। इको पार्क में बहुत कुछ देखने के लिए है, चलिए हम इको पार्क दिखाते हैं। अब यहाँ से इको पार्क जाने के लिए आइए बात करते हैं किसी ऑटो वाले से कितना लेंगे। ब्रदर इको पार्क के लिए, इको पार्क के 2-4 गेट है क्या वहाँ? कोई जो गेट से एंट्री हो जाए, मेन गेट जहाँ टिकट मिल रहा हो, टॉप गेट में टिकट मिल जाए, तो कोई भी गेट पे जो आपको नजदीक हो। कितना लोगे? कितना? 100 तीनों लोगों का? यार ज्यादा ले रहा है यार, यही तो है, एक आदमी जाएगा तो 100 काफी ज्यादा ले रहा है। 2 किलोमीटर के लिए 80 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। बैठे चलोगे इको पार्क? 80 रुपये देंगे? अरे 80 रुपया भी बहुत है यार, 2 किलोमीटर भी नहीं है। क्या यार कोलकाता बहुत महंगा हो गया है कब से। अच्छा यार यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपये, 80 रुपये ले ले भाई। चल भाई चल 80 रुपये ले। चल यार 80 रुपया भी बहुत है यार, काय के लिए गरीब आदमी का जान मार रहा है। चलो तो भाई को 80 रुपये में लेके चल रहा लो और इको पार्क आपको दिखाते हैं। वैसे वो भी 12:30 में खुलने वाला है, तो आसपास में हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद हम दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चिड़ियाखाना। तो भाई ऐसा हुआ कि अभी इको पार्क खुला नहीं है, 12:30 में इको पार्क खुलेगा, इसलिए इको पार्क के 6 नंबर गेट पे आप आइएगा। तो यहाँ पे चिड़ियाघर है, जू है एक, उस जू के अंदर हम लोग चलेंगे और इसका टिकट करीबन 50 रुपये है या क्या है, आइए देखते हैं और बताते हैं आपको। तो अभी चिड़ियाघर हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम इको पार्क जाएंगे। कितने रुपये टिकट है दोस्त? हाउ मच वन टिकट? टिकट कितना है ये? एक टिकट 50 रुपये का है यहाँ पे, आप जब भी घूमने आइए तो 50 रुपये सिर्फ इसका टिकट है। और 6 नंबर गेट पे इको पार्क का 6 नंबर गेट पे ये घूमने के बाद 6 नंबर गेट पे हम लोग जाएंगे और इको पार्क के अंदर चलेंगे। तो अभी दोस्त लोग टिकट ले रहा है, फिर चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। और ये कुछ इस तरह से गेट है इसका, काफ़ी खूबसूरत है, अंदर चल के बाकी चीज़ें हम दिखाते हैं। जैसे आप एंट्री करोगे यहाँ पे पैरट दिखने को आपको मिल जाएगा, जिसको मकाऊ बोलते हैं, ब्लू और रेड और ब्लू ऐसे करके आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है देखिए, तो आपको एंट्री में ही यही दिखने को मिलेगा सबसे पहले। बाहर निकलो तो यहाँ पे कुछ जिराफ देखने को मिला और यहाँ था, अभी भाग के निकल गया उधर, अच्छी बात नहीं है वैसे।
पार्क तो बहुत खूबसूरत है बट बोरिंग लग रहा है, और कुछ ज्यादा नहीं है, सारे एनिमल्स एक्टिव नहीं है, सब सोए हैं, लेटे हुए हैं, तो ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लोग इको पार्क ही चलेंगे, क्योंकि बस हो गया इतना ही, एक राउंड में ये ख़त्म हो जा रहा है, और हमको लग रहा है 6-7 बस इसमें एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं 2-4 बस, तो अब तो ये ख़त्म हो गया। तो हम आपको इको पार्क दिखाएंगे कुछ देर के बाद। क्या बन रहा है क्या अभी? हाँ कुछ, दो साल हो गया। दो साल हो गया अभी लायन इसमें नहीं डाला गया है। अच्छा तो ख़त्म हो गया, हम लोग एक राउंड कर दिए, ख़त्म हो गया ना, यानी हम लोग आए थे 2 घंटा यहाँ पे लगाने के लिए, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी नहीं लगा भाई, इतना ही है। बहुत खूबसूरत तो एरिया बहुत खूबसूरत बनाया है लोग, और ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी 2 साल ही हुआ इसको खुले हुए, तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी लग रहा है बंदर भी आया नहीं है, तो देर इज नो मंकी, तो मंकी भी नहीं है। और ये टाइगर का देखिए, वेस्ट बंगाल जू अथॉरिटी, जबकि बंगाल का टाइगर का जो बहुत फेमस है, बट वो है ही नहीं, अफसोस, क्या कर सकते हैं।